दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जैसी लड़ाई लड़ी गई और 7 करोड़ से ज्यादा मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अडोल्फ हिटलर की, जिसके नाम का मतलब ही है खूंखार भेड़िया। लेकिन क्या यह इंसान बचपन से ही इतना खूंखार था या फिर इसे बनाया गया? अगर आप भी अडोल्फ हिटलर के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में ब्रोनो एम इन नाम की जगह पर हुआ था। ये जगह जहाँ इनका जन्म हुआ था वो जर्मनी के बॉर्डर के बेहद पास थी। इनके फादर का नाम अलॉयज हिटलर और मदर का नाम क्लारा पॉल्जल था। क्लारा पॉल्जल इनके पिता की तीसरी पत्नी थी। हिटलर के टोटल 6 भाई बहन थे, जिनमें से 3 की किसी न किसी कारण की वजह से बचपन में ही डेथ हो गई थी। केवल हिटलर और उसकी 2 बहन पॉला और एंजेला ही जीवित रहे थे। वैसे तो हिटलर की माँ क्लारा भी हिटलर के जन्म से पहले ही उसका गर्भपात कराना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के समझाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया और हिटलर का जन्म दिया। और यही हिटलर बाद में बड़ा होकर मानव जाति के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बना। हिटलर का ज्यादातर बचपन का टाइम ऑस्ट्रिया के लेन शहर में बीता। हिटलर जब छोटा था तो अपने फादर से अक्सर मार खाया करता था, क्योंकि उसके फादर उसे स्कूल जाने के लिए और डिसिप्लिन में रहने के लिए कहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। साल 1900 में जब हिटलर केवल 11 साल का था तो उसके छोटे भाई एडमंड हिटलर की मीजल्स की वजह से डेथ हो गई थी। इस इंसिडेंट ने हिटलर को अंदर से काफी तोड़ दिया। हिटलर के फादर एक सरकारी नौकर थे और वो भी चाहते थे कि हिटलर उनके कदमों पर चले, इसलिए उन्होंने हिटलर का एडमिशन जर्मनी के एक सेकेंडरी स्कूल में करा दिया। हिटलर ने अपने पिता की इस डिसीजन का विरोध किया और ऐसा करने के लिए वो स्कूल में अपनी परफॉर्मेंस को गिराता गया, ताकि उसके पिता उसे स्कूल से निकालकर वो करने की आज़ादी दें जो वो करना चाहता है। हिटलर का पेंटिंग के प्रति काफ़ी लगाव था, इसलिए वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं चाहते थे। मगर अचानक 3 जनवरी 1903 के दिन, जब हिटलर केवल 13 साल का था, तो उसके फादर की किसी कारण से डेथ हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद हिटलर की स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ गई, तो उसकी माँ ने उसे स्कूल छोड़ने की परमिशन दे दी और हिटलर ने भी बिना कोई सर्टिफिकेट लिए स्कूल छोड़ दिया और अपनी सेकेंडरी लेवल तक की भी पढ़ाई पूरी नहीं की। 1907 में हिटलर ने लिन शहर को भी छोड़ दिया और आर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए वियना की अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए 2 बार अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसने अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। 21 दिसंबर 1907 को जब हिटलर केवल 18 साल का था तो उसकी मदर की भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ हो गई और हिटलर इस दुनिया में अकेला रह गया। 1909 के आते आते हिटलर के पास से सारे पैसे खत्म हो गए और वो रोड पर बने शेल्टर्स में बिना घर के लोगों की तरह रातें बिताने को मजबूर हो गया। उस टाइम हिटलर लेबर का काम करके और अपने द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स को बेच के पैसे इकट्ठे करता था। साल 1913 में वो कुछ पैसे इकट्ठे करके जर्मनी के म्यूनिक शहर चला गया। उस टाइम जर्मनी बावरियन किंग के अंडर आता था। जब जुलाई 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट छिड़ी तो हिटलर ने बावरियन किंग के पास याचिका दी कि उसे भी जर्मनी की तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़ने दिया जाए, और बावरियन किंग ने उसकी इस पेटिशन को मान लिया। अक्टूबर 1914 में हिटलर की बेल्जियम में पोस्टिंग की गई। उसे उस दौरान डिस्पैच रनर का काम दिया गया। डिस्पैच रनर एक ऐसा सोल्जर होता है जो जंग के दौरान एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाता है। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान ये काम बखूबी निभाया और इसी वजह से उसे उसकी बहादुरी के लिए 2 बार सम्मानित किया गया। एक बार उसे 1914 में आयरन क्रॉस सेकंड क्लास और दूसरी बार उसे 1918 में आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। हिटलर ने सेकंड टाइम में मिले अवार्ड को पूरी जिंदगी पहनकर रखा। लेकिन हिटलर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान 2 बार घायल भी हुआ था। पहली बार तो 1916 में बैटल ऑफ सोम के दौरान उसकी लेफ्ट थाई बेकार हुई थी और दूसरी बार 1918 में एक गैस अटैक में वो टेम्परेरी अंधा हो गया था। उसी के एक महीने बाद जब वो बर्लिन के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था तो युद्ध विराम की घोषणा की गई और जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा। हिटलर इससे बहुत ज्यादा गुस्से से भर गया और वह ऐसा मानता था कि जर्मनी की हार के पीछे वहाँ के नेताओं और यहूदियों का हाथ था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज को साइन किया गया, जिसके अंतर्गत जर्मनी को वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी को अपने टेरिटरीज को छोड़ना पड़ा और जर्मनी पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए। ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज की वजह से जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी नीचे आ गई और इसी बात का फायदा उठाकर हिटलर ने 1919 में म्यूनिक वापस आकर पॉलिटिक्स में कदम रखा। ऐसा करने के लिए उसने डीएपी नाम की एक पार्टी ज्वाइन की। ये पार्टी जर्मनी के वर्कर्स की पार्टी थी। हिटलर अपने भाषणों में लोगों को ये यकीन दिलाता था कि वो जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारेगा। कुछ समय बाद हिटलर की डीएपी पार्टी ने अपना नाम बदलकर नाजी पार्टी रख लिया और हिटलर 1920 में आर्मी से रिटायर होकर नाजी के लिए काम करने लगा। हिटलर ने ही नाजी पार्टी का बैनर बनाया जिस पर स्वास्तिक बना हुआ था। जल्द ही हिटलर अपने भाषणों में यहूदियों के खिलाफ बोलकर लोगों का दिल जीतने लगा और काफी पॉपुलर भी हो गया। जुलाई 1921 में हिटलर को नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। नवंबर 1930 में हिटलर ने जर्मनी की सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और 1924 में देशद्रोह के इल्जाम में 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन हिटलर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि उसे केवल 9 महीनों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। इन 9 महीनों में भी हिटलर शांतन ही बैठा
और जेल में रहते हुए मीन कैंफ नाम से एक बुक लिखी। इस बुक के अंदर हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ और उन प्लान्स के बारे में लिखा जो हिटलर ने जर्मनी के लिए सोच रखे थे, और हिटलर ने अपनी बुक में ये भी लिखा कि वो इन सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जब वो पावर में आ जाएगा। 20 दिसंबर 1924 को हिटलर जेल से बाहर आया। उस टाइम तक जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर चुकी थी और हिटलर की नाजी पार्टी को सरकार गिराने के इल्जाम में बैन कर दिया गया था। नाजी पार्टी पर लगे बैन को हटाने के लिए हिटलर ने जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर से बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अब नाजी पार्टी सही तरीके से काम करेगी। 16 फरवरी 1925 को नाजी पर से बैन हटा दिया गया। लेकिन अब हिटलर तो हिटलर था, उसने 27 फरवरी 1925 को एक ऐसा भड़काने वाला भाषण दिया कि 2 साल तक हिटलर के भाषण देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और ये प्रतिबंध 1927 तक चला। और हिटलर पर से जब ये प्रतिबंध हटा तो लोगों का नाजी पार्टी पर से विश्वास उठ चुका था, और हिटलर को अब एक मौका चाहिए था जिससे कि वो फिर से लोगों का विश्वास जीत सके। उसे ऐसा मौका मिला, और वो मौका मिला 1929 में जब यूनाइटेड स्टेट्स में स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई। इस स्टॉक मार्केट के गिर जाने की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ा, मगर जर्मनी पर कुछ ज्यादा ही। इसकी वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, महामारी फैल गई और बहुत सारी बैंक्स भी बंद हो गए। इसी बात का फायदा उठाकर हिटलर फिर एक बार उठा और उसने लोगों को सपोर्ट पाने के लिए लोगों को यकीन दिलाया कि वो जर्मनी में इस मंदी को हटाएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में लगे प्रतिबंधों को हटाएगा और सभी लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराएगा। हिटलर के इन्हीं वादों के चलते नाजी पार्टी एक बार फिर से ऊपर आई। 1932 में हिटलर ने प्रेसिडेंट के चुनाव लड़े पर इसमें उसे हार मिली, लेकिन 1933 में चांसलर के इलेक्शंस में उसे जीत मिली और उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। 1 साल बाद जर्मनी के प्रेसिडेंट की किसी कारणवश डेथ हो गई और हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई जर्मनी में डिक्टेटरशिप की। उसके बाद जर्मनी में 1945 तक कभी इलेक्शंस नहीं हुए और हिटलर ने और सभी पार्टीज पर बैन लगा दिया। लेकिन हिटलर की डिक्टेटरशिप के दौरान जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 60 लाख से गिरकर केवल 10 लाख तक आ गया। हिटलर ने जर्मनी के इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने पर काफी ध्यान दिया। जर्मनी में डैम्स बनवाए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा किया, और हिटलर की डिक्टेटरशिप के दौरान ही जर्मनी में 1936 में ओलंपिक्स हुए। आपको इस ओलंपिक्स के एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ जो हुआ था इंडिया के हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद और हिटलर के बीच। जब ओलंपिक्स हो रहे थे तो एक दिन इंडिया और जर्मनी का हॉकी मैच था। इस मैच में मेजर ध्यानचंद जी ने गजब का खेल खेला था। जर्मनी को इंडिया ने 8-1 से हराया था। तब मेजर ध्यानचंद जी से खुश होकर हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने और सेना में जनरल की पोस्ट का प्रस्ताव दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए अब हम भी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हिटलर ने जर्मनी में काफी सुधार किया और हिटलर ने दुनिया के बाकी देशों के साथ भी अपने मिलिट्री रिलेशंस को काफी अच्छा किया। इनमें से एक देश जापान भी था, लेकिन 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर टू की। इस आक्रमण के जवाब में पोलैंड के मित्र देश यानी फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर छेड़ दी। लेकिन उस टाइम जर्मनी काफी पावरफुल देश था और इसकी शक्ति की वजह थे पांजर टैंक्स, जो कि जर्मनी के पास काफी मात्रा में थे। इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ अपने युद्ध को रोकना पड़ा। जर्मनी ने पोलैंड के वेस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1941 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा किया, और 22 जून 1941 को जर्मनी ने जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ मिलकर रशिया पर हमला कर दिया। और जर्मन फोर्सेस अपने इस अचानक करे हुए हमले की वजह से रशिया में 500 किलोमीटर अंदर तक घुस गई। लेकिन उसके बाद रशिया की रेड आर्मी ने जर्मन आर्मी को खदेड़ डाला और जर्मनी को इस युद्ध में हार मिली। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एक अमेरिकन फ्लीट पर हमला कर दिया और जापान और जर्मनी ने साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ वॉर छेड़ दी। लेकिन इस वॉर में भी जर्मनी को मुंह की खानी पड़ी। 1944 के आते आते रशियन रेड आर्मी और बहुत सी अलाइज पावर ने मिलकर एक्सिस पावर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। 1945 तक जर्मनी का इन वॉर्स की वजह से बहुत नुकसान हो चुका था और अब बेचारा हिटलर छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। 23 अप्रैल 1945 तक रेड आर्मी बर्लिन तक आ गई और इसी डर की वजह से हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को जब रशियन सोल्जर्स उसके काफी नजदीक आ चुके थे तो उसने अपने आप को गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। 1 करोड़ से ज्यादा मासूम लोगों की मौत की वजह बने हिटलर को ऐसी मौत आई कि उसके मृत शरीर को रशिया के सैनिकों ने ही पेट्रोल डालकर आग लगाई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मिलेंगे आने वाली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।